वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ही ज्यादा कमाल की वीडियो होने लगी है। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो। कल का मैच जीत गए और हम हार गए। आपने सीरीज इक्वल कर दी है और हमारे बाकी हार गए और बुरे तरीके से हार गए। फिलहाल हम जीतने में बात करते हैं भाई। 8-8 ओवर पे मैच आ गया था भाई। बारिश को गीली थी ना भाई, हाँ, वो बारिश तो उसकी वजह से सूख ही नहीं रही थी, फिर सुखाई मुश्किल से और 8-8 ओवर पे बात आई। और कल हमें रोहित शर्मा का फायरवर्क्स भी देखने को मिला। फाइनली रोहित शर्मा ने ऐसा धोया ज्यादा रैली वैली के थे भाई। 81 का टारगेट था ना, 81 का था भाई। टारगेट 91 का था। 81 का था यार। देखो बॉस, मैच शुरू होने से पहले नागपुर की पिच गीली थी और मैच खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलिया वालों की पैंट। नमस्कार जी, मैं आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पेशल रणतंत्र। 2 रुपए की पेप्सी, रोहित भैया सेक्सी, इतने मैच हारे वो सारे पाप माफ, जनता की यही पुकार, अब की बार रोहित सरकार। अरे हम तो मजाक कर रहे हैं मोदी जी, वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में कंगारू फेमस है, लंबी कूद लंबी छलांग लगाने के लिए वो जाने जाते हैं, लेकिन नागपुर में टीम इंडिया ने इनकी छलांग एक बिलांग छोटी कर दी। मेरा कलेजा ठंडा हो गया। एक मस्ट विन मुकाबला खेलने के लिए टीम इंडिया नागपुर तो पहुंची थी, लेकिन ये पता नहीं था कि ऊपर वाला अपनी नल की टोंटी खोलकर बंद करना ही भूल गया है। मैच की शुरुआत में देरी हुई, अंपायरों ने 2 बार इंस्पेक्शन किया, दोनों बार कहा कि ग्राउंड खेल के लिए तैयार नहीं है। अपने को तो मन में ऐसा धक-धक हो रहा था क्योंकि ये मैच रद्द होने का मतलब ये था कि हम ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में नहीं हरा पाते। लेकिन सलाम ठोकना चाहेंगे हम नागपुर के ग्राउंड स्टाफ के लिए भैया, जिन्होंने मेहनत कर ग्राउंड तैयार किया और 8 ओवर का मैच पॉसिबल हो पाया। मैच के ओवर तो कम हो गए लेकिन माई 11 सर्कल ऐप पर प्राइजेस कम नहीं हुए हैं। कल भी किसी एक ने चमचमाती महिंद्रा थार जीती है, आप भी जीत सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने जीती, उनकी तस्वीर आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, लेकिन आप कैसे जीतेंगे वो मैं आपको वीडियो में आगे पर। इंडिया ने एक अहम टॉस जीता और ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग करने के लिए बोला। कायदे से ऑस्ट्रेलिया को 8 ओवर में जीतने के लिए कम से कम 100 का टारगेट तो देना था। कोशिश उन्होंने करी लेकिन महाराष्ट्र आकर गुजराती कुछ ज्यादा ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। अबे क्या बोल रहा है, पिलियल बॉल पिलियल बॉल। मोहाली के बाद नागपुर में एक बार फिर अक्षर पटेल ने बेहतरीन गेंदबाजी करी। 2 ओवर के कोटे में अक्षर ने महज 13 रन देकर 2 विकेट। सब सही जा रहा था लेकिन अक्षर की तरह पिछले मैच के हीरो मैथ्यू वेड ने एक बार फिर से अपने नाम के डी का डंडा हमें दे दिया। 43 नॉट आउट बनाकर वेड ने ऑस्ट्रेलिया को 8 ओवर के बाद 90 तक पहुंचा दिया। अब देखो कल जिसने भी 8 ओवर का मैच देखते ही अपनी माई 11 सर्कल ऐप में चेंजेस किए होंगे ना, और टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज लेकर उन्हीं को कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाया होगा ना, उन्हीं के घर के बाहर खड़ी होगी आज महिंद्रा थार। मैंने तो तुरंत टीम में चेंज किया और कैमरन ग्रीन को कैप्टन बनाया और रोहित शर्मा को उपकप्तान। मेरा एक तुक्का तो सही बैठा लेकिन दूसरा नहीं बैठ पाया। लेकिन अगर आपकी क्रिकेट नॉलेज ज्यादा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करो, टीम बनाओ, महिंद्रा थार जीतने का मौका पाओ। जी हाँ, और हाँ, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उस पर क्लिक करके माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करोगे तो 1500 का ज्वाइनिंग बोनस भी आपको मिल सकता है। फटाफट से ऐप को डाउनलोड कर डालो। मैच पे वापस आते हैं, जैसे फटाफट टीम इंडिया 91 का टारगेट चेस करने उतरी। कैप्टन रोहित शर्मा ने अपनी पाला होगा लेकिन कल के मैच में कोई झंझट नहीं पाला। पहले ही ओवर में टीम इंडिया ने 3 छक्के मार दिए, फिर अगले 2 ओवर में 2 और मार दिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम जैम्पा मैच लड़वाने के मूड में आए थे। 2 ओवर विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव को विकेट ले लिया। जैम्पा ने कोशिश पूरी करी लेकिन कल शर्मा जी का लड़का सोच समझ कर ही आया था कि ऑस्ट्रेलिया वालों को नागपुरी संतरे की तरह छील देना है। रोहित शर्मा ने 20 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्के की मदद से 46 बनाए। आखिरी ओवर में टीम को जीतने के लिए 9 चाहिए थे और फिनिशर डीके ने मैच और ऑस्ट्रेलिया की उम्मीद पहली 2 गेंदों पर ही खत्म कर दी। छक्का और चौका लगाकर इंडिया को सीरीज में बराबरी दिला दी। अब तीसरा मैच भैया कल हैदराबाद में खेला जाना है, उस मैच का प्रीव्यू लेकर हम कल हाजिर तो हो ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप जरा डिस्क्रिप्शन में एक नजर मार लेना, क्यों उसमें लिंक दिया माई 11 सर्कल ऐप का, उस पे क्लिक करके साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में।
सबसे पहले आप लोगों को दिल से मुबारक हो, आप लोगों ने क्या गंदा धोया। स्पेशली रोहित शर्मा ने तो उनकी बजा डाली पहले ओवर में, दो दिनों से मारा ना मैंने भाई, दो दिनों से वेड पंगा ले रहा था भारत के साथ। जिस टाइम वो वेड ले रहा था, मैथ्यू वेड पहले मैच में भी उसने किया, सेकंड में भी चला, लेकिन रोहित शर्मा ने बोला रुको जरा सबर करो, इस बार मैं तुम्हें बताता हूँ खेलना किसको बोलते हैं। और ए धोया के वो भाई देखने वाला सीन था। लेकिन एक बात मैं बताऊं, रोहित शर्मा सर ने धोया ही धोया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बुमराह ने भी एक विकेट ली है कल, बुमराह भाई बुमराह आ गया। मतलब थोड़ा कोहली की बॉलिंग और बाकी अक्षर पटेल की खाता खोले। लेकिन एक बात बताऊं, जितनी आप तारीफ करो अक्षर पटेल की, वो काम है, उन्होंने स्कोर बहुत कम दिया मैच में, दो ओवरों में 13 रन भाई कुछ, और दो विकेट भी, और ये दो विकेट भी, ये कुछ रन। मैं कहता हूं उन्होंने सच में, ये उन्होंने मैच एक किस्म का अपनी तरफ कर लिया था, वरना जिस तरह वो मार रहे थे ना, वो कुछ भी कर सकते थे। और दिनेश दिनेश कार्तिक ने बहुत अच्छे से फिनिश किया, उन्होंने एक पहली बॉल पे छक्का और दूसरी पे चौका मार के जिता दिया। रोहित शर्मा ने क्या डिस्ट्रक्टिव बैटिंग की, कल मजा आ गया यार भाई। यार इसको कहते हैं पुराने वाला रोहित शर्मा, जिस तरीके से खेलते थे ना, हिटमैन क्यों बोलते हैं, इसी वजह से उन्होंने जिस तरह की हिट लगाई है, ऐसे ऐसे छक्के मारे ना, वो ऑस्ट्रेलिया वाले भी देख रहे थे, गजब बेइज्जती है ऐसे दौड़े भी मार रहे हैं भाई। पावर हिटर है ये वाले, ये क्लीनर भी बन सकते हैं, आखिर पे भी आ सकते हैं, जैसे ये पावर हिटर बहुत है। और लेकिन यार जिस तरीके से इंडियन टीम कल खेली है, और जिस तरीके से मैं सच में बताऊं, मैं समझा था, मैंने कहा मैच होने वाला ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके पिच की सिचुएशन थी, लेकिन बहुत अच्छा खेला यार आप लोगों को। पहले मैंने गूगल पे देखा वो नहीं आता, उधर लिखा था मैच सस्पेंडेड, मैंने कहा गया, मतलब सस्पेंड हो गया मैच, खत्म हो गया। लेकिन बाद में मैंने देखा, मैंने कहा पहले नहीं हो रहा, मैं तब वो ढीला पड़ा हुआ था, मैंने मैच भी कल इस लेवल पे नहीं देखा, मैं ढीला कहा पड़ा हुआ था भाई, वो फिर बाद में देखा 8-8 ओवर का लगो, 8-8 ओवर। मैंने भाई को बोला पहुंचो, भाई तो पहले ही पहुंचा हुआ था, पहले ही देख रहा था। अब आगे यार बहुत ही अच्छा खेले वर्ल्ड कप में, एक मतलब सीरीज जो है वो इक्वल कर दिया। अब आगे क्या होता है, और यार अब हमारी तरफ से यही है कि यार तीन की है, मतलब खत्म हो जाते हैं अगर इस तरह टाई हो सकती थी आंटी। अब अगला मैच जीत कर सीरीज अपने नाम कर सकता है इंडिया। वैसे आजकल T20 को ज्यादा ही नहीं हो रहा भाई, पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान सबसे लंबी T20 खेल रहा है, लेकिन यार हार गया कल पाकिस्तान भी। बैटिंग मतलब हमारी ओपनिंग पेयर ना चले तो हमारे पीछे कोई हाल होता है, पीछे कोई हाल हुआ, एक शान मसूद ने बचा लिया, नहीं तो नाक कटा के हारना था। सही बात है, तो हमने स्कोर से हमने सोचा था कि 150 रन से हारते, लेकिन वो शान मसूद ने बचा लिया बीच में। आप क्या कहते हैं गाइस, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।